नमस्ते दोस्तों, इससे मिलिए। यह रशिया का एक आदमी जिसका नाम है एडवर्ड सालिजनेव। ये इतना खतरनाक आदमी है दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर भी मुझको इसके बारे में आपको तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि इस दुनिया में आखिर कितने खतरनाक और बेरहम लोग रहते हैं। तो मैं इस एडवर्ड को इतना बेरहम और खतरनाक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसने अपने तीनों दोस्तों को मार डाला और उनके बॉडी पार्ट्स को बॉइल करके खा लिया। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। एडवर्ड ने स्वीकार किया कि उसने अपने दोस्तों को छुरा घोंप कर मार डाला, जिसमें से एक की एज थी 59, एक की 43 और एक की 34। एडवर्ड ने इन सभी दोस्तों को तब मारा जब ये सारे दोस्त नशे में थे। फिर इसके बाद उसने इन सभी के शरीर को कुछ हिस्सों में काटा, फिर बाद में उन हिस्सों को बॉइल करके खा डाला। बाद में एडवर्ड ने क्या किया कि अपने दोस्तों को मारने के बाद उनके शरीर के स्लाइसेस करके जो मांस होता था वो खुद के पास एक प्लास्टिक में रख दिया था, और बाकी का वेस्ट मटेरियल वगैरह पास के एक लोकल रिवर में फेंक दिया था। ये सब कांड करने के बाद भी एडवर्ड ने जिन दोस्तों को मारा था उसमें से वो एक दोस्त के घर गया और उस दोस्त के पेरेंट्स को बताया कि आपका बेटा काम करने के लिए एक दूसरी सिटी में गया है, और बाकी के जो दो दोस्त थे उनके तो पेरेंट्स ही नहीं थे। पर जब बहुत समय हो गया और वो लड़का घर नहीं आया, तो बाद में उस दोस्त के पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट की। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना चालू किया, और एडवर्ड ने भी पुलिस को यही कहा कि वो बाहर काम करने गया है। पर जब छानबीन के दौरान पुलिस को डेड बॉडीज मिली जो कि बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इस एडवर्ड भाई साहब ने उन्हें इतनी बेरहम से जो मारा था। बाद में एडवर्ड का ये सब कांड पुलिस को पता चला और एडवर्ड को रशियन सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद की सजा दी। रशिया के सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता चला था कि एडवर्ड लोकल एनिमल्स जैसे कि कैट्स, डॉग्स और बर्ड्स को भी बॉइल करके खाता था। सच में दोस्तों, बहुत ही खतरनाक आदमी था ये। तो आप क्या सोचते हो इसके बारे में, आपके थॉट्स मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते जल्दी इंटरेस्टिंग से भरी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।